होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पांव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पे चलते रहिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है कम्पिटिटिव मैथ, जिसमें वर्क एंड टाइम, कार्य तथा समय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए। इस टाइप का मैथ्स में आपको जो है बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे में, हर जगह पूछा जाता है, यहाँ तक CUET में भी पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। देखिए इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस टाइप से करते हैं, इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। m1 d1 dw2, m2 d2 और w1, यह है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए यहाँ m1 मतलब आदमी जो है एक ही है, तो जो दोनों जगह में हम लोग 1 रख देंगे, ठीक है। और d1 कितना है, इसमें 5 दिन है और इसमें हम लोगों को पता करना है, तो d2 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब w2 में क्या होगा, देखिए तीन कार्य को उसी टाइप का, इसमें हो गया W1 में एक कार्य और इसमें तीन कार्य, उसी टाइप के तीन कार्य को करने में उसे कितना समय लगे, तो D2 निकालना हम लोगों को 5 × 3 हो गया 15, इसका आंसर हो गया 15, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 2, 16 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 40 दिनों में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगाते हैं, m1 d1 w2, m1 के अब यहाँ m2 d2 w1, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, 16 व्यक्ति है m1 में, 16 व्यक्ति यहाँ पता नहीं है तो उसको m2 रखते हैं, क्योंकि उसमें पता है करना है कि कितने व्यक्ति, 10 दिन, डे कितना है 10 और इसमें 40 दिन, और वर्क वन वन है, ठीक है। अब देखिए 16 × 10/40, ये 40 नीचे चला जाएगा, m2 = 0, 0 कट जाएगा, 4 × 4 = 16, सिंपली आप इसे पहुंच सकते हैं आंसर तक। m2 कितना हो गया 4, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 40 व्यक्ति 60 वृक्षों को 8 घंटे में काट सकता है, यदि 8 व्यक्ति कार्य छोड़ दे तो 12 घंटे में कितने वृक्ष काट लिए जाएंगे। चलिए फॉर्मूला में चलते हैं, m1 d1 w2, m2 d2 w1, ठीक है। अब देखिए 40 व्यक्ति, यानी कि यहाँ 40 व्यक्ति है और यहाँ m2, 8 व्यक्ति छोड़ देता है, यानी 40 में अगर आप 8 घटा देंगे तो 32 हो जाएगा, 32, यहाँ 32 रख देते हैं। d1 कितना है, देखिए 8 घंटे में काट सकते हैं, 8 घंटे में काट सकता है और ये 12 घंटा, ठीक है। w1 क्या है, देखिए यहाँ पर ही w1, 40 व्यक्ति 60 वृक्ष, यानी कि 60 यहाँ हो गया, और w2 यही पता करना है कितने वृक्ष कट सकते हैं, ठीक है। तो w2 को निकालना है हम लोग, ठीक है। w2 = 32 × 12 × 60/40 × 8, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32, मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 4 = 72, यानी कि आंसर हो गया 72, 72 वृक्ष काट सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 व्यक्ति 6 दिनों तक 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 किलोने तैयार कर सकते हैं, तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 16 किलोने तैयार कर सकेंगे। देखिए इसमें फॉर्मूला जो है ना, हम लोग जो लिख रहे थे उससे थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि यार 6 दिन 6 घंटा, तो हम लोग थोड़ा नया फॉर्मूला है, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं है, ध्यान दीजिए। m1 d1, अब t1 भी ऐड कर दीजिए, डे हो गया और ये टाइम हो गया आवर में, ठीक है। और w2 बस सेम वैसे ही था, खाली इसमें t1 और t2 इधर ऐड हो गया। देखिए यहाँ m1 कितना है 5, t1 कितना है 6 × 6, t1 की जगह 6 हो गया, प्रतिदिन कार्य करके 10 खिलौने तैयार कर सकेंगे, तो कितने दिनों में यहाँ 10 खिलौना उधर लिखेंगे, 16 खिलौना, तो यहाँ 16 हम लोग लिख सकते हैं, देखिए वर्क 2 है ना, ये 16 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो कितने दिनों में 12 व्यक्ति, दिनों की संख्या पता नहीं है, d2 लिख देते हैं 8 घंटा, यानी कि यहाँ 8 हो गया, और w1 यानी कि जो यहाँ कितना खिलौना है 10, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जगह पलट लेता है, ठीक है, W2 और W1,
बाकी एकदम आराम से लिख सकते हैं आप। हम लोग को निकालना है जो डी टू, ठीक है, उसको उधर रहने देते हैं। 12 × 8 × 10, ठीक है, डी टू 12 × 8 × 10 नीचे आ गया। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 2, कट गया। डी टू आ गया 3, यानी कि 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। वर्क एंड टाइम का ये पहला पार्ट था। वर्क एंड टाइम का पार्ट टू जो है बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आप चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जो है वीडियो से जुड़ पाएँ, मनोज कुमार दास क्लासेस से जुड़ पाएँ। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।